हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जब कभी किसी दीनी महफिल का इनेकाद किया करते थे तो उसकी शुरुआत, उसकी इफ्तिताह, उसका आगाज अल्लाह अज़्ज़ा वजल के उस मुकद्दस कलाम पाक से किया करते थे जिसका पढ़ना भी इबादत है, जिसका सुनना भी इबादत है, जिसका देखना भी इबादत है, जिसका बोसा देना भी इबादत है, जिसको हाथ से छूना भी इबादत है, आँखों से लगाना भी इबादत है, सर पे रखना भी इबादत है। आइए उसी इबादत वाली किताब से इबादत वाले काम की इफ्तिताह शुरुआत करने के लिए तालिये कुरान, हाफिज़े कुरान, कारिये खुशलहान, मोहतरमुल मकाम, लायके सदहतराम, हाफिज़ो कारी मोहम्मद उमर अशरफ निजामी, खतीबो इमाम जामा मस्जिद चिश्तिया मुरादाबाद से मैं बड़े ही अदबो एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर मिंबरे नूर पर तशरीफ लाने के साथ साथ माइक पर तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं और महफिल पाक का आगाज फरमाएं कि सुनाओ नगमे कुरान कि हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नगमे कुरान कि हम बेदार हो जाएं, अंधेरे से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। एक शेर मुझे राहत इंदौरी साहब का याद आ रहा है, अगर आप हजरात सुनना चाहते हैं तो एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, आज मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जो कुर्सी पे बैठ जाता है वो खामोश हो जाता है, मगर मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम कुर्सी पे बैठने वालों को खामोश नहीं होने दूंगा। राहत इंदौरी साहब इंदौर की सरजमीन से एक शेर कहते हुए नजर आते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं तेरी रूह तेरी जान में हूँ, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूँ, फायदा क्या है मगर कैद तो जुज़दान में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إن لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بما أوحينا إليك وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا
والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।